हेलो दोस्तों, स्वागत है सुपीरियर स्पाइडरमैन के एपिसोड 22 में। और कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। और मैंने जो कहा था हर रोज़ वीडियो अपलोड करूँगा, आज थोड़ा सा चूक गया हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना रात होने तक, चलिए 12 बजे से पहले वीडियो अपलोड कर ही देते हैं, तो आज का प्रॉमिस भी रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सुपीरियर स्पाइडरमैन इश्यू नंबर 22। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को याद है लास्ट एपिसोड में और उसके लास्ट टू लास्ट एपिसोड में स्पाइडरमैन और स्टनर का कैसे युद्ध हुआ और सब कुछ कैसा सॉल्व हुआ, स्पाइडरमैन को कैसे डॉक्टरेट डिग्री मिला, मतलब पीटर पार्कर को? अगर आप लोगों को याद नहीं है या फिर आप लोगों ने मिस कर गया हो तो जाइए वो वीडियो देख लीजिए। और चलिए आ जाते हैं सुपीरियर स्पाइडरमैन के एपिसोड 22 में। वेस्ट साइड ट्रेन यार्ड में हम लोग देखते हैं क्राइम मास्टर्स के कुछ गुंडे अभी एक इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, ऐसा कुछ कर रहे हैं। और बेटी ब्रांड उधर जाके देख रही है ये सब कुछ, और एक्चुअली वो थोड़ी घबराई हुई है। वो इस न्यूज़ को डेली बिगल में कैसे देगी, क्योंकि अभी क्राइम मास्टर का मतलब जो सबसे बड़ा डॉन है वो उसका भाई भी है। लेकिन तभी उधर वेनम आ जाता है, और ये है जो वेनम सिम्बायट जो कि एक्चुअली थॉमसन, फ्लैश थॉमसन के ऊपर है, और इसका नाम है अभी एजेंट वेनम। तो बेटी ब्रांड उसको बताती है कि तुम जाके क्राइम मास्टर के सारे आदमियों को रोको, ये तुम्हारा ही काम है, इसीलिए मैंने तुम्हें इधर बुलाया है। तो फ्लैश थॉमसन तभी बताता है कि लेकिन मैं उन लोगों को रोकूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना है कि तुम मतलब वो बताता है कि वो फ्लैश थॉमसन के मम्मी को लेके बहुत दूर कहीं जगह पे चली जाएगी, और उस फ्लैश को भी ये इसका बारे में पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ पे है, उसकी मम्मी कहाँ पे है, क्योंकि उससे उसके मम्मी को जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए यही रिक्वेस्ट करता है वो बेटी से, और बेटी भी बता देती है ओके उसके बारे में तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मतलब प्रॉमिस रखूँगा। ऐसा बोलते हुए बेटी उधर से साइड में चली जाती है, और फ्लैश थॉमसन एक प्लान बनाते हुए उसी गुंडों के भीड़ में चला जाता है ताकि वो क्राइम मास्टर के पास चला जाए उस गुंडों के साथ। उधर हम लोग देखते हैं पीटर पार्कर ने पार्कर इंडस्ट्रीज को लॉन्च कर दिया है, और ये पार्कर इंडस्ट्रीज का पहला दिन है जहां पे पीटर पार्कर भाषण देते हुए उसके एम्प्लॉयज को इंस्पायर कर रहा है। लेकिन ये भाषण कुछ दूसरे तरह का था, जैसे कोई युद्ध होने जा रहा है, जैसे हम मतलब एक बहुत बड़ा थर्ड वर्ल्ड वॉर ऐसा टाइप का होने जा रहा है। तो पीटर पार्कर का ये भाषण थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट था, वही सजनी ने उसे बताई। तो पीटर पार्कर बोलता है नहीं, एक्चुअली सब लोगों को इंस्पायर करना चाहिए, और मैं ऐसे ही इंस्पायर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अप्रोच शायद थोड़ा सा हटके है। उधर सजनी बताती है कि मैक्स मॉडल के होराइजन लैब से बहुत ही अच्छा है पार्कर इंडस्ट्रीज़ का ये फुल कॉन्सेप्ट। तो पीटर पार्कर इससे बहुत खुश हो जाता है, और तभी वो लोग देखते हैं जे जेम्सन और अंत में इधर आए हैं। उन लोगों का कार देखते हुए पीटर पार्कर उस कंपनी के अंदर चला जाता है। एक्चुअली वो लोग बाहर टहल रहे थे और कंपनी के बारे में बात कर रहे थे। पीटर पार्कर उन लोगों की गाड़ी देखते हुए अंदर चला जाता है, और उधर हम लोग देखते हैं पहले से ही पार्कर इंडस्ट्रीज के अंदर चले गए हैं जे जेम्सन और अंत में। और पीटर पार्कर के अनुपस्थिति में डॉक्टर विर्थम, ये है एलियस विर्थम जिनको हम लोगों ने पहले ही एक एपिसोड में देखा था, वो है कैप्टन कार्डियक बोल सकते हो आप लोग, या फिर एंटी हीरो कार्डियक, वही एक्चुअली अभी पार्कर इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है उसके पार्टनर या कंसल्टेंट के तजुर्बे से। और तभी वही डॉक्टर उन लोगों को पूरे पार्कर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बता रहा था, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था। और तभी पीटर पार्कर आ जाते हैं उधर, और पीटर पार्कर को देख के अंत में बहुत ही खुश हो जाती है। और अभी अंत में को पीटर ने प्रॉमिस किया था कि अगले ही दिन वो अपने नए गर्लफ्रेंड के साथ मीट करवाएगा अंत में और जे जेम्सन के साथ। तो वो लोग खुश हो जाते हैं इसके बारे में। और इसके बाद पीटर पार्कर उन लोगों को अपने काम के बारे में बताता है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल साइबरनेटिक लिम्ब टेक्नोलॉजी उसने आविष्कार किया है, जिससे अंत में अभी छड़ी के बिना ही चल सकेगी, उसे छड़ी का सपोर्ट नहीं चाहिए होगा। ये सुन के बहुत खुश हो जाती है अंत में। और उधर हम लोग देखते हैं प्रॉस्पेक्ट हाइट्स में, ब्रुकलिन में,
कार्ली कूपर के अपार्टमेंट में आती है यूरी वॉटनाबे, और वो आके देखती है अपार्टमेंट में सब कुछ तहस नहस बन कर चुका है कोई, और कोई आके सारे फाइल्स सब कुछ कार्ली कूपर के सारे फाइल्स को लेके चला गया है। तो इसी से यूरी को यही शक होता है शायद स्पाइडरमैन ने ही ऐसा किया होगा, क्योंकि कार्ली कूपर स्पाइडरमैन के अगेंस्ट सबूत इकट्ठा कर रही थी और कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है स्पाइडरमैन और डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस का, वही प्रूफ करना चाह रही थी। और तभी कार्ली कूपर का ऐसे ही निखोज हो जाने की वजह से सारा शक चला जाता है पीटर पार्कर के ऊपर। उधर हम लोग देखते हैं आंट मे के चले जाने के बाद पीटर पार्कर एक केबिन में आता है, और उधर एना मरिया मर्कोनी एक बहुत ही शानदार लुमिनस एक एनवायरनमेंट बना के रखी है, और उसके वजह से वो देखने के बाद ही पीटर पार्कर बहुत खुश हो जाता है और वो उसे प्रपोजल देता है कि क्या एना मरिया मर्कोनी उसके पेरेंट्स के साथ मिलना चाहती है या नहीं। तो एना मरिया मर्कोनी ये पूरा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप देख के बहुत खुश हो जाती है और ये बताती है कि पीटर पार्कर जो चाहता है वो उसे हासिल कर लेता है बहुत ही जल्दी, वेट नहीं करता। ये देखते ही वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और एना मरिया मर्कोनी तभी पीटर पार्कर के साथ मतलब अपने प्राइवेट टाइम में चले जाते हैं। और हाँ, आप लोग समझ ही सकते हैं क्या कुछ नहीं हो गया है इधर, ओ ये एडल्ट कंटेंट है। तो एनीवे उधर हम लोग देखते हैं स्पाइडर आइलैंड में, स्पाइडर आइलैंड में स्पाइडरमैन के सारे आर्मी अभी स्पाइडर बोट्स के जरिए शहर के चारों कोनों में नज़र रख रहे हैं, और तभी उन लोगों के पास वो फीड आ जाता है जहाँ पे वीडियो फुटेज चल रहा है लाइव, जो कि एजेंट वेनम वर्सेस क्राइम मास्टर। इसका मतलब एजेंट वेनम अभी उसके गैंग मेंबर के साथ मिलके, क्राइम मास्टर के गैंग मेंबर के साथ मिलके क्राइम मास्टर के अड्डे पे चला गया है और दोनों फाइट कर रहे हैं अभी। ये बात सुनते ही स्पाइडरमैन पीटर पार्कर एक्चुअली अपना प्राइवेट टाइम से एना मरिया मर्कोनी को अभी थोड़ा सा टाइम देते हुए निकल के आया है, और स्पाइडरमैन अभी पुलिस को भी खबर कर दिया है कि एक्चुअली डॉकयार्ड में क्या हो रहा है शूटिंग के बारे में, जो कि एजेंट वेनम और क्राइम मास्टर के बारे में है। और उसके पास उसके कमांडोज एक अनोखा हथियार लाते हैं जो कि एक वेब फ्लूइड कंटेनर है, लेकिन ये वेब फ्लूइड में उससे स्पाइडरमैन का हाथ से वेब तो अभी निकलेगा ही, लेकिन वो फायरी वेब होगा जिसमें आग लगा हुआ होगा। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं जब पुलिस वाले स्पाइडरमैन से पूछते हैं क्या तुम्हें वो फाइट में इंटरसेप्ट करने का परमिशन है, ये परमिशन तुम्हें सिर्फ मेयर ही दे सकता है, ऐसा पूछता है। उधर हम लोग देखते हैं जे जोना जेम्सन को पुलिस कॉल करने के बाद जे जोना जेम्सन अभी बता देता है ऑब्वियसली स्पाइडरमैन जो बोलता है वही करो, और उसके बाद जे जोना जेम्सन फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है क्योंकि स्पाइडरमैन उसको ब्लैकमेल कर रहा है बहुत पहले से ही। और उधर डॉक्स में एजेंट वेनम और क्राइम मास्टर के बीच में महायुद्ध चल रहा है, एजेंट वेनम जीतते ही जा रहा है, क्राइम मास्टर का कोई भी आदमी एजेंट वेनम को मात नहीं दे पा रहा है। तब क्राइम मास्टर थोड़ा डाउट में आ जाता है और एजेंट वेनम तभी बताता है कि तुम असली क्राइम मास्टर नहीं हो, अगर असली क्राइम मास्टर होते तो तुम्हें पता चलता कि मैं तुम्हें कितना बुरी तरीके से मार सकता हूँ। लेकिन तभी क्राइम मास्टर बताता है कि एक्चुअली वो नया क्राइम मास्टर बना है, वो कुछ दिन पहले ये फ्रेंचाइजी किंग्सले से खरीदा है और किंग्सले ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, ये बहुत ही मतलब धोखेबाजी हो गया उसके साथ। तो अभी ये नया वाला क्राइम मास्टर घबरा जाता है स्पाइडरमैन को देख के भी, और वो डर के अपना मुखौटा उतार लेता है, अपना हैट भी उतार लेता है, और वो बोलता है प्लीज़ मुझे पकड़ लो, मुझे इतना कुछ हो सकता है, पता ही नहीं था, मैं तो एक छोटा मोटा माफिया था, स्मगलिंग करता था मगिया के साथ, लेकिन ये सब कुछ हो जाएगा मुझे पता ही नहीं था। इसलिए क्राइम मास्टर मतलब जो अभी का क्राइम मास्टर है ये राजी हो जाता है जेल में जाने के लिए। तो एजेंट वेनम स्पाइडरमैन को बताता है थैंक्स फॉर योर हेल्प, तो अभी हम लोग चले जाते हैं क्या अपने रास्ते, तुम क्राइम मास्टर को पकड़ लो। लेकिन स्पाइडरमैन बोलता है मैं इस इडियट को पकड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इधर आया हूँ एजेंट वेनम तुम्हें पकड़ने के लिए। ऐसा बोलते वो आग लगा हुआ वेब एजेंट वेनम के ऊपर छोड़ देता है और एजेंट वेनम थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो उसके बाद ये सारा अटैक स्पाइडरमैन से वो डिफ्लेक्ट करते हुए डिफेंस करते हुए इधर उधर दौड़ता रहता है। और वो सोचता है कि एक्चुअली तो वो स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन है और उसका एवेंजर्स के साथ भी कनेक्शन एक
कवर्ट ऑपरेशन है, तो ये वो स्पाइडरमैन को नहीं बता सकता। अभी वो स्पाइडरमैन को कैसे भरोसा दिलाएगा कि वो एक अच्छा इंसान है या फिर हीरो है, नॉट ए विलन, क्योंकि स्पाइडरमैन को ये पता नहीं है कि वो विलन या हीरो है। उसे सिर्फ पता है कि वेनम मतलब ये है विलन। इसके बाद स्पाइडरमैन को बताने की वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडरमैन कुछ भी नहीं सुनता। वो एजेंट वेनम को मार गिराता है और एजेंट वेनम का मुखौटा उसके फेस से हट जाता है। और फ्लैश थॉम्सन को देख के स्पाइडरमैन बोलता है, देखो तुम कुछ भी सोच लो लेकिन तुम गलत जगह पे भिड़ चुके हो। तुम्हें ये क्या लगता है कि ये मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल केयर नहीं करता। ऐसा बोलते हुए वो अपना पंजा उठाता है जिसमें आग लगा हुआ है फ्लैश थॉम्सन मतलब एजेंट वेनम को मारने के लिए। और इसी के साथ सुपीरियर स्पाइडरमैन का एपिसोड 22 इधर ही ख़त्म होता है। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन पे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों ने सब्सक्राइब बटन के ऊपर वेब मारना चालू कर दो और सब्सक्राइब करो। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वेबी मतलब सुपीरियर स्पाइडरमैन का ये स्टोरीज शेयर करो और सब्सक्राइबर बढ़ाओ और मुझे और मज़ा दो, ताकि मैं जल्द से जल्द इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्ट पाऊँ के पूरा ये वीडियोस बनाना है। जितने सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे इंटरेस्ट मेरा उतना बढ़ता जाएगा। हाँ मुझे पता है मैं लालची बनता जा रहा हूँ आप लोगों की, ये सभी आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार है। मैं हमेशा जब आप लोगों का कमेंट्स देखता हूँ ना तो मैं खुश हो जाता हूँ, खुशी से मैं झूम उठता हूँ। तो एनीवे बहुत रात हो गया, अभी 12 बजे से पहले ये वीडियो अपलोड करना है। चलिए गुड बाय दोस्तों और गुड नाइट, हैव ए ग्रेट डे अहेड।